यहाँ पे आलू कर रहा है योग, यही है आलू का फिटनेस का। देख सकते हैं आप लोग की प्रीति बहुत रो रही है। तो मेरी और प्रीति की तैयारी हो चुकी है, हम लोग परवाड़ी तक आ चुके हैं और हम नीचे घर पुराने वाले घर पे नहीं जाएंगे, हम सीधे यहाँ से जाएंगे। तो चले जी, मैं मंगोली चारी में पहुँच गई हूँ क्योंकि मुझे भैया के घर पे जाना है, यानी मायके में जाना है, और यहाँ से प्रीति जाएगी। तो चले जी, मैं अपने मायके में भी पहुँच गई हूँ और ये है मेरे मायके का घर ये, और अंदर है मेरे भैया और बाहर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से इन पहाड़ों से। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ हो गई है खूबसूरत नए दिन की शुरुआत। और आज हूँ मैं अपनी दीदी के घर पे। और यहाँ पे प्रीति तो बैठी हुई है, अपनी वीडियो एडिट कर रही है, शायद वीडियो देख रही है। और साथ में यहाँ पे आलोक लगा हुआ है योग करने पे। और यहाँ पे आलोक कर रहा है योग, यही है आलोक का फिटनेस का राज, देख लीजिए। इसीलिए पैदल ट्रैक करता है ये ज़्यादा से ज़्यादा, ये देख सकते हैं। अभी चल रहा है अनुलोम विलोम, अभी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ मैं इसको। और दीदी के घर के ठीक सामने पे चौखंबा पर्वत बहुत खूबसूरत लग रहा है। और किचन में तो दीदी लगी हुई है, नाश्ता तैयार कर दिया है दीदी ने और हमें परोस रही है अभी। और दीदी के घर से तो जाने की तैयारी हो चुकी है मेरी, और यहाँ पे प्रीति बहुत रो रही है। और देख सकते हैं आप लोग की प्रीति बहुत रो रही है, क्या करें। क्यों रो रही भाई? अरे तो मैं परसों ही शादी में आऊँगी भाई। साथ में दीदी की तैयारी भी हो गई है परवाड़ी वाले घर पे जाने की, और आलोक आ रहा है मुझे और प्रीति को छोड़ने। हम दोनों को खड़ा रहे हैं ये। हैं आलोक, हम दोनों। तो मेरी और प्रीति की तैयारी हो चुकी है, हम लोग परवाड़ी तक आ चुके हैं और हम नीचे घर पुराने वाले घर पे नहीं जाएंगे, हम सीधे यहाँ से जाएंगे। ये जाएगी कुंड तक और मैं जाऊंगी मंगोली तक, क्योंकि आज मैं मायके जा रही हूँ। और कैसे लग रहा? ठीक ही लग रहा है, जाना तो है ही। तो चले जी, मैं मंगोली चारी में पहुंच गई हूँ क्योंकि मुझे भैया के घर पे जाना है, यानी मायके में जाना है। और यहाँ से प्रीति जाएगी देहरादून के लिए और आलोक प्रीति को छोड़ने कुंड तक जाऊंगा। हाँ। फिर उसके बाद घर, फिर पेंट का काम करना है मुझे। तो चूना लगाएगा ये? चूना ना, पेंट। चूना नहीं बोलता उसको, पेंट लगा रहे, चूना नहीं लगा रहे। पेंट क्या हुआ, चूना क्या हुआ? पेंट जो बाल्टी में आता है। ठीक है, प्रीति भी चलती है। बाय बाय। ठीक है, अब मैं ना शादी पे आऊंगी सीधे। ठीक है, उससे पहले हम बुलाएंगे तो। नहीं भी बुलाएंगे तो तभी आऊंगी मैं। बिन बुलाए मैं माना। तब भी आऊंगी, कोई बात नहीं। चल दबा। ठीक ठीक था, ढंग से रहे। बाय बाय बेटा, बाय। ओके बाय। तो मंगोली चारी से प्रीति और आलोक तो चले गए हैं कुंड तक, और उसके बाद मैं जा रही हूँ नीचे गांव में मंगोली। आज शायद वहीं पर रुकूंगी, तो मंगोली गांव अपना मायका भी दिखाऊंगी मैं। और मैं जा रही हूँ बहुत सालों बाद अपने मायके में, तो चलिए चलते हैं। और ये है मंगोली चारी का एरिया, और यहाँ पे ना बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें कि मंगोली वाले लड़के या कभी मैच वगैरह होते हैं तो यहाँ पर क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं। और यहाँ पे आते ही मुझे चाची मिली, यानी मेरी माँ की दोस्त हैं जो, वो मिली। और यहाँ पे चाची जी ले जा रही हैं घास सॉल्टी पे। तो ये है मंगोली गांव, मंगोली गांव यहाँ ऊपर से अच्छे से कवर हो रहा है। तो मैंने ये मेरा गांव, यानी मेरा मायका है ये। तो चलिए जी, मैं अपने मायके में भी पहुँच गई हूँ और ये है मेरे मायके का घर ये, और अंदर है मेरे भैया और भाभी। तो चलिए, भाभी बोली अभी मैंने मुंह नहीं धोया। और ये है मेरे बड़े भैया। हेलो बोला। हेलो 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 गाइस बोला।
और ये है मेरी भाभी, हाय बोल। और मेरी बड़ी भाभी ना बहुत शर्मा रही है कैमरे के सामने आने के लिए, तो क्या बोल सकती हूँ मैं। और यहाँ पे है हम लोगों का भगवान, यहाँ पे मेरे मम्मी और पापा भी हैं।